नमस्कार सर, आपका आज के इस मंच में स्वागत है। मैं रश्मि स्पाइस मनी के रिप्रेजेंटेटिव आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहला प्रश्न सर कि आपका नाम क्या है, आप कौन से एरिया से हैं और कितना समय हो गया आपको स्पाइस मनी के साथ जुड़े हुए? राजन कुमार बिंद, संत रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश। जी सर। सर और कितना वर्ष हो गए आपको या कितना समय हो गया आपको जुड़े हुए? मैक्सिमम 1 ईयर। 1 ईयर हो चुका है सर। जी जी तो सर अभी तक का बहुत कम शब्दों में बताएं, क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स वगैरह आगे पूछूंगी, आपका अनुभव अभी तक कैसा रहा है, मोटा मोटा अनुभव? बहुत ही बढ़िया है मैम जी। जी अच्छा, स्पाइस मनी का प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इजी है। जी जी तो जी। आपका अनुभव अच्छा रहा है सर। एक मेरा प्रश्न ये रहेगा कि आप जैसे ये हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो ये जो मॉडल है बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहते हैं, जैसे कि आपको भी एंटरप्रेनर बना देते हैं और आप अपना बिजनेस चला पाते हैं हमारी सर्विसेज को यूज करके और अपनी अर्निंग कर पाते हैं, सेम मॉडल पर आपने पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे काम किया है क्या? और किया नहीं, है नहीं, अच्छा, आपने सबसे पहली बार ही आप स्पाइस मनी से ही जुड़े हैं और जो बिजनेस है या आपने जो हमारे साथ जो आप जो भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो सारी सिर्फ स्पाइस मनी पर ही शुरुआत करी है। ठीक है सर। ऑनबोर्डिंग एक प्रक्रिया होती है, यानी कि आपको जब अधिकारी आईडी मिलती है हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं, आप ऑनबोर्ड होते हैं, वो जो प्रक्रिया है उसका अनुभव आपका कैसा रहा है और कितना मुश्किल हुई या कितने दिन लगे या कैसा रहा आपका अनुभव और किस किसने आपकी मदद करी वो सब बताएंगे सर। एक दिन में मैम जी डिस्ट्रीब्यूटर से मुलाकात हुई और मैं उनके ऑफिस पर गया, बातचीत हुई, डॉक्यूमेंट मैंने दिया, उन्होंने कंप्यूटर से अपलोड किया और कंपनी को सबमिट किया, मेरे पास मैसेज आ गया, शाम तक आईडी पासवर्ड आ गई, अगले दिन एक केस चालू हो गया, वर्क स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो मतलब आपके लिए आपकी जो बातों से मुझे लगा कि बहुत ही आसान पूर्वक तरीके से आपका पूरा प्रोसेस ऑनबोर्डिंग सफलता पूर्वक हो गया, बहुत ही आसानी। जी सर, इसमें अगर जैसे मैं आप इस प्लेटफॉर्म से अपने आप को जोड़ के अपना बिजनेस चला रहे हैं, सिमिलरली सर अगर मैं ये कहूँ आपसे पूछूँ कि आप अपने रिश्तेदारों या मित्रों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता के उनकी भी मदद करना चाहेंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहेंगे मैम, इतना बढ़िया पोर्टल है और इतनी अच्छी कमाई है तो क्यों नहीं बताएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। सर शुरुआती दिनों में जब आपने ये प्लेटफॉर्म से जुड़े तो कुछ शुरू की कुछ मुश्किलें उनके बारे में बताएंगे जो आपको महसूस हुई? मैम जी पहले क्या था कि जब स्पाइस मनी से हम जुड़े तो ये समझ में आ रहा था कि मुझे रेंट भी देना पड़ेगा, पैसे किधर से व्यवस्था करूंगा, तो थोड़े थोड़े करके बिजनेस बड़ा हो गया, महीने के अभी 5 से 6 लाख रुपए का टर्नओवर हम लोग कर रहे हैं। जी जी तो मतलब देखिए शुरू शुरू में तो जब आप एक साल पुरानी बात अगर कहते हैं तो अभी आईडी फ्री नहीं थी और अब आईडी भी फ्री हो गई और साथ में रेंटल भी फ्री, मतलब रेंटल नहीं है अब हमारे प्लेटफॉर्म का, तो वो आपको अब आपके लिए ही जो आप कह रहे हैं कि कैसे दे पाएंगे, तो एक तो वो बात हमने लेकर आए, दूसरा आपको कोई मुश्किलें अगर शुरू में इसके अलावा सहन करनी हुई या लगी कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है, कुछ लगा आपको सर? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगा मैम जी, क्या है कि कस्टमर केयर का सपोर्ट भी है, अगर कोई दिक्कत होती है कभी भी कॉल करके आप उसको डिस्कस कर लीजिए। जी 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 ठीक है सर, ठीक है सर। आपका जैसे आपने शुरुआत करी तो आपको अब आम तौर पे आप एक महीने में अर्निंग कितनी हो पाती है आपकी? मैं सिर्फ आपकी आपकी अर्निंग की बात कर रही हूँ। अभी अर्निंग मान के चलिए महीने की मैम जी, मान के चलिए मिनिमम 10 से 12 हजार 15 हजार तक हो जा रही है, हो जाती है आपकी पर महीने। और सर कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं और उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी है? सबसे ज्यादा एपीएस और एटीएम। जी एपीएस और एमएटीएम ही आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं और इन्हीं में सबसे ज्यादा आपको फायदा भी होता है। जी 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 मतलब कैश विड्रॉल सर्विस जो है मेन आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। हाँ हाँ कैश विड्रॉल एपीएस सबसे ज्यादा, क्योंकि ग्रामीण एरिया है मैम जी, इसमें कस्टमर आधार कार्ड से ही पैसा निकालने के लिए आते हैं ज्यादा ना। जी जी सर, जी सर मैं समझी आपकी बात को। सर कस्टमर्स जैसे अभी आप अपने इलाके में स्पाइस मनी अधिकारी हैं, आपने बकायदा पीछे ब्रांडिंग भी कर रखी है जी। सर लोग जब आपके दुकान पर आते हैं तो उनको एक महसूस कैसे होता है? जैसे अभी सपोज मैं आई और मेरे को आसपास तो कोई एटीएम मिला नहीं और मैंने देखा जी कि अरविंद जी के यहाँ तो एटीएम की सुविधा है
या मैं कैश विड्रॉल आधार कैश विड्रॉल कर सकती हूँ। तो ग्राहकों को जब आपके द्वारा ये सुविधा मिलती है तो उनका उनकी फीलिंग क्या रहती है? वो आपको कभी ऐसा उम्मीद लेकर आते हैं कि कहीं पैसा निकलेगा नहीं, बट यहाँ इस प्राइस मनी के सेंटर पे पैसा निकलेगा। अच्छा, तो मतलब वो एक उम्मीद से ही रहते हैं कि ये एक ढंग से उनका सबसे नजदीकी कैश विड्रॉल पॉइंट है जहाँ से वो कैश विड्रॉल कर सकते हैं और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है और ये 24 घंटे हमारे पास रहता है और कोई कस्टमर कभी वापस नहीं गया मैम जी। अच्छा, तो कभी कोई ट्रांजेक्शन फंसी हो तो भी लोगों को निश्चिंता रहती है कि अरविंद जी? कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ, भैया 2-5 दिन में आपके पैसे आपके खाते में आ जाएंगे, बट ज्यादा कभी होता नहीं है, कभी हो जाता है, महीने में एक बार हो गया तो बहुत है। एक आखिरी प्रश्न अरविंद जी मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको एक तरीके का कमीशन मिलता है जिससे कि आप आमदनी होती है, तो स्पाइस मनी के प्लेटफॉर्म का एक कमीशन है। अब सपोज आपको कोई आज कंपटीशन, कोई हमारा पेयर जो और इस इंडस्ट्री में लोग हैं वो अगर आपको हायर कमीशन देते हैं तो आप कितना स्पाइस मनी से जुड़ा रहना चाहेंगे या आप ये सोचेंगे कि भाई वो हायर कमीशन दे रहा है मैं तो अपना मुनाफा देखूं और मैं चलूं? मैम जी क्या है, इससे बढ़िया किसी का प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो जाने की क्या जरूरत है। अच्छा जी, नहीं स्पाइस मनी एक विश्वसनीय कंपनी है ना जी, तो मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में विश्वास बहुत बड़ा मैटर करता है। जी जी जी, वॉलेट में 1-5 लाख जितना भी रखिए आप सेफ रहता है, और किसी अदर पोर्टल में ऐसा नहीं है। उनमें ये भैया आज के डेट में जितना आपने ट्रांजेक्शन किया पूरे के पूरे सेटलमेंट करो, नहीं कल होल्ड हो जाएगा। जी 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 जी, तो बैंक उनके हिसाब से होगा जी। स्पाइस मनी में ऐसा नहीं है, 24 आवर्स चालू है, तभी भी आपको 1 बजे रात की जरूरत पड़ेगी, भैया मुझे 20,000 मूव टू बैंक करना है, आपने तुरंत किया आपके खाते में आ गया। जी जी, तो ये सुविधा स्पाइस मनी में है ना, ये किसी कंपनी में नहीं है, और हम लोग स्पाइस मनी को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका विश्वास स्पाइस मनी पे टिका हुआ है और आप मतलब चाहते हैं कि स्पाइस मनी को छोड़ के आप कहीं नहीं जाएंगे, तो एकदम आप हमारे साथ बिल्कुल परिवार जैसे आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी मैम, ऐसे ही सर बने रहे स्पाइस मनी के साथ और आगे मैं यही मतलब अगर कभी रहेगी तो आपको हम जरूर बुलाएंगे इस मंच पे दोबारा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। जी जी, थैंक यू मैम।